उसके बाद मुझे यार बहुत सारे मुझे और मेरे भाई को बहुत सारे चैलेंजेस आने लग गए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लग गए कि गाइस मेरे को भाई तुम्हारे साथ वन वर्सेस वन करना है, मेरे को भी कस्टम करना है तुम्हारे साथ, मेरे को भी कस्टम करना है। ठीक है, मेरे सारे के सारे फ्री फायर फ्रेंड्स क्लास में सब बोलने लगे गाइस। और गाइस हम भी कुछ अजीब से ही बंदे हैं, हमने सारे लोगों के चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस उसी में से है एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड आरजे आशीष उर्फ हर्ष। ठीक है, तो गाइस उसने बोला कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ डुओ से डुओ करना है। ठीक है, डुओ से डुओ, तो यहाँ पे देखो अपन लोग जो है कस्टम में आ चुके हैं। और गाइस देखो मेरे अपोनेंट दो बंदे हैं, और गाइस आज मैं और मेरा भाई खेलेंगे गाइस इन दोनों बंदों के खिलाफ। तो यार वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस यार यहाँ पे देखो हमारा जो कस्टम मैच है गाइस वो स्टार्ट हो चुका है। गाइस यार आज मेरे साथ है मेरा पार्टनर के रूप में मेरा भाई, बड़ा भाई, ठीक है, इंपीरियन। और गाइस ये बहुत मजे की बात है गाइस कि जो सामने वाले अपोनेंट टीम में गाइस जो दो हमारे अपोनेंट है गाइस वो दोनों भी गाइस भाई हैं। ठीक है, सो अभी यार बहुत मजा आने वाला है यार वीडियो में, क्योंकि दो भाई वर्सेज दो भाई। ठीक है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको मजा आएगा यार तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे देखो यार मेरे को एक बंदा मिल चुका है उनकी टीम में, यहाँ पे दो हेड और गया। चलो बहुत अच्छी तरीके से मैंने दो 66 के हेड मारे, और गाइस लास्ट में 112 का एक हेड मारा जिसके बंदा नॉक हो चुका है, और बस एक अब एक ही बंदा बचा है। और यहाँ पे देखो मेरे को मिल गया, यहाँ पे यार 18 का 24 का एक डैमेज पड़ा, चलो जैसे फोड़ देते। और गाइस यहाँ पे देखो बंदा आ चुका है, फोड़ते और गया। सो यार बहुत अच्छी तरीके से हमने पहले ही राउंड मैच अकेले ही दोनों बंदों को ढेर कर दिया गाइस। यार बहुत अच्छी, अगर आपको पसंद आया होगा तो यार लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना गाइस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यार लाइक करो अगर आपको पसंद होगा। यहाँ पे देखो हम जो पहला राउंड है बहुत अच्छी तरीके से हम जीत चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक MP5 की जगह जो है शॉटगन उठा ली, M1887 जो है मैंने उठा लिए। और यहाँ पे थोड़ा ग्लू वॉल ले लेता हूँ, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट नहीं लगा मैंने, वेस्ट के पैसे नहीं बचे मेरे पास। ठीक है, हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो हमने जो है ना मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रख रखी है, क्योंकि यार देखो कस्टम में मेरे को ना सस्ती सस्ती बता रहा हूँ, जो मैं क्लासिक खेलता हूँ, क्लैश कोड खेलता हूँ, तो जो मूवमेंट स्पीड होती है ना नॉर्मल सी, वो मेरे को यार अच्छी नहीं लगती, उसमें मैं पता है अच्छे से खेल नहीं पाता। जब मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे यार मेरे को नहीं पता है वो दोनों बंदे कहाँ हैं, ना ही मेरे बड़े भाई को पता। और यहाँ पे देखो यार जैसे ही हमने बोला नहीं पता वैसे दिखती है, तो चलो इसे फोड़ते। और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा डैमेज दिया और गया, यहाँ पे यार नॉक कर दिया मैंने इस बंदे को। और यहाँ पे बस मेरे को उसके पार्टनर को ढूंढना है, मेरे को नहीं पता इसका पार्टनर आखिरकार कहाँ होगा, सो आई डोंट नो। चलो पहले से खत्म कर लेते हैं, अरे यार इसका पार्टनर कहाँ है, पहले से खत्म कर ले। और यहाँ पे देखो इसका पार्टनर मिल गया, अरे यार सो यार पता नहीं मतलब जल्दी जल्दी में मैंने पहले लेकिन कोई बात नहीं यार, फर्स्ट राउंड जीते, सेकंड राउंड आ रहे, लेकिन यार मैंने सेकंड राउंड में एक किल तो कर लिया गाइस बहुत ओपी। मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में मर गया गाइस, लेकिन कोई बात नहीं यार, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है गाइस मेरे को खेलने में यार। टू वर्सेस टू यार बहुत ओपी लगा है, कभी मैंने बहुत बार टू वर्सेस टू किया लेकिन मेरे को इतना मज़ा कभी नहीं आया। तो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं वुडपैकर ले लेता हूँ यार स्नाइपर के तौर पर। और यहाँ पे हम फिर से कैंपिंग करने जाएंगे, ठीक है, कैंपिंग करने जा रहे गाइस हम उस छत पर। ठीक है, स्टूडियो से जाएंगे, ठीक है, कैंपिंग करेंगे। और जैसे वो बंदा दिखेंगे मतलब जैसे वो दोनों के दोनों हमें दिखेंगे क्या, वैसे गाइस हम उन दोनों को फोड़ देंगे। ठीक है, सो चलो यार अभी जैसे जल्द अपन लोग जाते हैं और कैंपिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने जो MP5 उठा लिया, पता नहीं क्यों, मैंने तो बोला था यार स्नाइपर उठाने के लिए, पता नहीं क्यों उठा लिया MP5, पता नहीं यार अपनी मरमर्जी चलाते हैं गाइस बड़े बड़े भाई। जो भी छोटे भाई हैं भाई मैं उनका दर्द समझता हूँ, आप लोग भी मेरा दर्द समझते हैं गाइस, सारे बड़े भाई अपनी ही मरमर्जी करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने 54 का डैमेज दिया एक बंदे को, और इसका पार्टनर गाइस मेरे को नहीं पता इसका पार्टनर कहाँ है। सो यार बस लग जाएगा किसी भी तरह यार, एक दो चार गोली लग जाए ना ये बंदा पक्का नॉक हो जाएंगे, दोनों के दोनों गाइस नॉक हो जाएंगे। 57 61 का और एक गया, अरे नहीं गाइस, अरे यार बच गया गाइस, बच गया यार गाइस, बहुत गलती से बच गया यार, शिट। तो यहाँ पे 52 का डैमेज लग जा, लग जा, लग जाए, 12 रन भर रहे हैं बचा रहे, बदले क्या, शिट यार क्या ही हो रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार सबको डैमेज दिए जा रहा हूँ लेकिन दोनों के दोनों जब बच चुके हैं। और यहाँ पे रोनाल्डो ऑन हो चुका है लेकिन हमने फोड़ दिया। सो यार यहाँ पे देखो दोनों प्लेयर्स के, रोनाल्डो जो है मेरे भाई के और दूसरे हमारे अपोनेंट के रोनाल्डो ऑन हो गए थे, लेकिन हमने तब भी यार धूम मचा दी। सो यहाँ पे देखो मेरा किल चुरा लिया है मेरे बड़े भाई ने, इसको तो नॉक किया था मैंने, चलो पहले खत्म कर लेते गाइस अच्छे से। सो यहाँ पे देखो मैंने इस बंदे को खत्म कर लिया है, ठीक है। सो अभी चलते हैं गाइस जल्द से जल्द, एक बंदा जो बचा हुआ है अपोनेंट टीम का उस बंदे को अपन लोग जल्द से जल्द जाते हैं और खत्म कर दे, ठीक है। सो यार मेरे को लग रहा है यार ये बंदा मेरे को मार देगा इसके हरकतों से, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा पीछे से रश करने की कोशिश करता हूँ। सो भाई बस नजर रखनी है गाइस, अभी बस थोड़ी देर नजर रखनी है, और ये बंदा हमारे शिकार में खुद
बाग खुद आ जाएगा और यहाँ पे मर्जा गया। सो यहाँ पे यार बस 165 का डैमेज लगा और ये बंदा नॉक हो चुका है यार। यही होता है बिना हेल्थ लिए हीरो बनने का अंजाम। ज़्यादा ही जो हीरो बनने लग जाता है ऐसे ही होता है अंजाम से। यहाँ पे देखो मेरी वेस्ट जो है वो बहुत डैमेज खा चुकी है, तो मेरे को नई वेस्ट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं कोई गन वन छोड़ रहा था यार, कौन सी गन ले यार, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है यार कौन सी ले। सो यार छोड़ो जो है वो है। सो यहाँ पे देखो मैंने वेस्ट भी ले ली। सो यार मैंने कोई भी गन नहीं बदली, बस एक डेजर्ट ईगल जो है वो ले ली है। ठीक है, यूएसपी की जगह यूएसपी का कोई काम तो आते नहीं है। सो यहाँ पे मैंने इसको एक ग्लू वॉल दिया, लेकिन बंदे ने नहीं लिया। मतलब पहले मांगते और फिर लेते भी नहीं, अच्छी चीज़ कैसे लोग है यार, छी। सो यहाँ पे यार चलो अभी जैसे ज़्यादा अपन लोग उन दो बंदों को यार फोड़ देते हैं 7-1 से। हो सकता है यार 7-1 से हरा दे, लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम 7-1 से इन लोगों को हरा देंगे, क्योंकि यार ये भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लोग गंदा खेलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा खेलता है, तो इनको कम समझने की हम गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो 90 का डैमेज लगा इस बंदे को और ये बंदा बच चुका है। ठीक है, तो चलो यार जैसे मैं इस बंदे को फोड़ देता हूँ, पता नहीं यार दोनों कहाँ आई थिंक इधर से ही आएंगे, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। थोड़ी देर गैस वेट करते हैं, लेकिन यार मेरे भाई ने एक बंदे को नॉक कर दिया। सो यहाँ पे इस बंदे ने फिर से मेरा किल चुरा लिया। मैंने 90 का डैमेज दिया था और इस बंदे ने मेरा किल चुरा लिया, ये मेरा शिकार था। सो यहाँ पे देखो यार चोरी की यही सजा होती है, यहाँ पे ये बंदा नॉक हो चुका, चलो इसे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दे दिया और गैस लग जाने नहीं लगा। कोई बात नहीं यार, इस बंदे ने अपने आपको गुलवा से कवर कर लिया, तो पहले मैं ढूंढ लेता बंदा गया का। सो यहाँ पे देखो बंदा भाई बाहर बचे जा रहा है, बचे जा रहा है ये बंदा। तो मेरे को पता नहीं मैं इसे कैसे मारूँ यार, पता नहीं कहाँ गया। अरे यहीं पर तो था भाई, यहीं पे तो था, पता नहीं कहाँ गया। अरे कहाँ गया भाई? सो भाई पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ये बंदा आखिरकार गया तो गया कहाँ। सो अभी मेरे को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मेरे को बंदा मिल चुका है। ठीक है, सो यार चलो अभी जिसके पीछे इसके पीछे पीछे चलते हैं गाइस हम। ठीक है, सो चलो यार अभी जैसे जल्द, अबे यार ये क्या होगा गाइस, स्पीड में मेरे को ये चीज़ गंदी लगती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाता मैं ठीक से यार स्पीड में। ठीक है, ज़्यादा स्पीड होती है, मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। सो यहाँ पे मर जा। सो गाइस यहाँ पे मेरे को मार दिया। अरे ओ गाइस, कोई बात नहीं, होता है गाइस, कभी कभी हो जाता है गाइस गलती से। सो यार यहाँ पे मेरा ग्लू वॉल नहीं लगा, इसी वजह से यार मैं मर गया, वरना आपको तो पता ही गाइस, आपका चिमकांडी भाई, आपके चिमकांडी भाई कितने प्रो हैं आपको तो पता ही है। ठीक है, वरना यार मेरा ग्लू वॉल नहीं लगा, वरना तो मैं बता ही देता। सो मैंने आपको बोला था यार इनको हल्के में नहीं लेना, और मैंने भाई गलती कर दी, इनको हल्के में ले लिया, वही मेरी गलती हो गई। वरना अभी हम अपन इनको मतलब फोड़ देता अगर मैं इनको गलती नहीं करता। सो यार यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको हल्के में लेना बहुत गलत बात हो जाएगी हमारे लिए। सो यार चलो अभी यहाँ पे पांचवा राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और हमारे 2 पॉइंट्स है, उनके 2 पॉइंट्स है। सो मैच जो है इस बराबरी का लग रहा है। सो यहाँ पे इस बंदे ने हेड मारा और मेरे भाई को नॉक कर रहा है। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से कवर किया अपने आप को, और यार दोनों मिलकर यार मेरे पे रश मारेंगे, मतलब मेरे को यार शिकार बनेंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास 667 जिंदगी बची है, लग जा। अरे नहीं लगा रहे हमें। सो गाइस यार ये जो प्लेयर है हर्ष भैया, ये भाई क्या ही खेल रहे हैं गाइस, यार क्या ही खेल रहे हैं गाइस हर्ष भैया। सो मेरे को लगा था यार ये मेरे बड़े भाई के फ्रेंड है, तो ये भी नूबी होंगे मेरे बड़े भाई की तरह, जैसे मेरा बड़ा भाई नूब है गाइस, वैसे ये भी नूब होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गाइस कुछ ज़्यादा ही प्रो निकले गाइस, दो हेड मार दिए गाइस, ऐसे उछले और हेड मार दिया यार मेरे भाई को। मेरा भाई तो यार चौंक गया कि ऐसे मतलब क्या हुआ ये बंदा, मतलब मेरा भाई जो है वो सीधे जा रहा था और पता नहीं क्या हुआ वो मर गया। सो गाइस यार यहाँ पे देखो छठा राउंड जो वो भी स्टार्ट हो चुका है, और गाइस हमारे अपोनेंट जो है गाइस वो लीड में है अभी, यार वो 3 बार जीत चुका है और हम बस 2 ही बार जीते हैं। सो यार अभी हमें यार कुछ भी करके यार ये राउंड तो जीतना ही पड़ेगा यार बराबरी में आने के लिए, और हम ये कस्टम नहीं आ सकता गाइस। ये कस्टम जो है मेरी इज्जत का सवाल, क्योंकि यार इन दोनों बंदों ने यार हमें चैलेंज किया, और गाइस चैलेंज तो मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता हूँ। ठीक है, सो अभी देखो यार हम जो है पीछे एकदम घूम घाम के गए हैं अपन लोग। ठीक है, एकदम घूम घाम के गए हैं, तो अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता यार, मेरे भाई को भी नहीं पता कि वो दोनों बंदे हमें कहाँ किस तरफ मिलेंगे। ठीक है, सो अभी मैं देख रहा तो कहाँ यार, यहाँ पे देखो रोनाल्डो जो है वो भी चालू हो चुका था यार, मेरे भाई के पास भी रोनाल्डो, ये भी रश करेगा। देखो गाइस मैंने क्या बोला था, ये बंदा भी रश करेगा। सो यहाँ पर जो है रोनाल्डो चल रहा है गाइस, हम तो गरीब इंसान है, हमारे पास रोनाल्डो भी नहीं है। सो यहाँ पे चलो यार इसे फोड़ देता, और गाइस नहीं लगा कोई बात नहीं यार, 88 का डैमेज पड़ा है बस। अरे यार ये क्या हो रहा है गाइस, मेरा पता नहीं पिंग विंग हो रहा है क्या, पता नहीं, अबे यार मर गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भाई तो जिंदा है, हमारा भाई जिताएगा। अरे दादा इसका हो गया रे गाइस, मेरे को तो लगा था यार मेरा भाई जितवा देगा, लेकिन हम तो भूल गए थे कि मेरा भाई तो मुझसे भी ज्यादा नूब है, मतलब मैं हूँ नूब, लेकिन मेरा भाई तो यार उससे भी ज्यादा नूब निकला यार। जी, कितनी गलत बात होगी गाइस यार, बहुत गलत बात यार, मतलब ये बंदे जो है यार 4 बार जीत चुके हैं, और मेरे को अब बहुत डर लग रहा है कि ये चैलेंज हम हार सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। ठीक है,
और गाइस ये दो बार जीतना बहुत गलत बात है, मतलब चार से दो छह जीत बहुत गलत है, ठीक है। चार का आधा होता है गाइस, मतलब दो बार जीते छह यार। तो यहाँ पे देखो अपन लोग जो है फिर से पीछे से जाने की कुछ, अरे यार मैं तो गिर गया गाइस, कोई बात नहीं, मेरे डैमेज नहीं लगा गाइस, फॉल डैमेज जो है इसलिए भाई मैं नीचे कूदा तो मेरे को कुछ हुआ नहीं, ठीक है। सो अभी देखते हैं गाइस बंदे हमें मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ, तो गाइस सामने की ओर गाइस बंदे हैं, तो अभी चलो अपन जो है वो सारे बंदों को फोड़ फाड़ के रख देते हैं। वो देखो गाइस एक बंदा दिख चुका है, इसी बंदे ने अपन को हेड मारा था, चलो यार इसी बंदे को अपन फोड़ेंगे। तो यार यहाँ पे हर्ष भाई मेरे को दिख चुका है और हर्ष भाई ने दोनों को हेड मारा था, तो यार हम भी इसको हेड मारेंगे, ठीक है, एडब्ल्यूएम से, ठीक है। सो यहाँ पे यार मैंने एडब्ल्यूएम लेके गलती कर दी, क्योंकि यार इस जगह पे स्नाइपर का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, इस जगह पे स्नाइपर की, ठीक है। सो अभी देखो यार दोनों के दोनों भाई यहीं पे खड़े हैं, हम भी यहीं पे खड़े हैं, तो अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ गाइस इन दोनों को भटकाने के लिए। मेरा भाई थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा जब मैं इसको भटकाऊंगा, तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों को जो है भटका दिया है, ठीक है। दोनों के दोनों मेरे ही पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ जो है वो भी कम हो चुकी है, 50% मैं हेल्थ ले लेता हूँ गाइस। बस अभी चुपचाप ना, मैं बस चुपचाप गाइस हमें यहीं पे इंतजार करना है कि कब ये दोनों के दोनों यहाँ पे, और गाइस मेरा भाई जो है वो नॉक हो चुका है। तो चलो यार अभी जल्द से जल्द मैं जाता हूँ गाइस, जल्द से जल्दी गाइस हमें जाना पड़ेगा, जल्द से जल्द मेरा भाई मरने वाला है, मेरा भाई मर जाएगा। अरे कहाँ है बंदे, अरे यार ये रहे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डैमेज दे दिया इस बंदे को। अरे यार ये तो छुप गया गाइस, ये तो छुप गया, अरे ये कहाँ से छुपका, अरे यार ये भूत गाइस, भूत गाइस। गाइज आपको यार देखो आप मतलब क्या हुआ ये एक सेकंड गेम है गाइज, रिपीट करना पड़ेगा हमें सब चीज़ें यार, रिपीट करनी पड़ेगी भाई, रिपीट करना पड़ेगा गाइज, जल्द से रिपीट करना पड़ेगा। सो गाइस हालात कुछ इस तरीके से थे कि हमारा भाई जो है वो नॉक हो चुका था और हम उसे बचाने जाना था, तो मैं जा रहा था गाइस उसे बचाने शॉटगन की हेल्प से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं शॉटगन से आया और मैंने हर्ष भाई को थोड़ा सा डैमेज दिया, ठीक है। और फिर जब जैसे ही मैं उन्हें दोबारा देखने के लिए इस साइड जाता हूँ, वैसे ही बंदा प्रकट हो जाता है, मतलब क्या गाइस इस बंदे को एक सेकंड नहीं लगा और ये भाई साहब प्रकट हो गए मेरे सामने, अचानक जैसे एक भूत सामने आता है वैसे बंद भाई साहब आ गए मेरे सामने, मैं बिल्कुल अचंभित रह गया गाइस, बिल्कुल अचंभित रह गया, मैं मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ ये गाइस, मैं बिल्कुल शॉक में हूँ अभी भी कि वो बंदा कहाँ से हाजिर हुआ, वो बंदा वहाँ पे वहाँ के आसपास बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से आया। लेकिन यार ये भूत वाली बातें छोड़ो, अगर मैं ज़्यादा ही भूत वाली बातें करूँगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं सो पाऊँगा। और यहाँ पे जो हमारा आठवां राउंड है गाइस वो भी स्टार्ट हो चुका है, और गाइस आप ये देखो यार वो बंदे पाँच बार जीत चुके हैं गाइस, पाँच बार वो अभी भी लीड में है, सात राउंड में से यार वो बंदे जो हैं पांच बार जीत चुके हैं, और गाइस हम कितने बार जीतते हैं, बस दो बार, छीज यार बहुत गलत बात है यार। यहाँ पे अब हम बस एक यार छह बार उन्हें नहीं जीतने देना है गाइस, कुछ भी करके यार ये राउंड जीतना ही पड़ेगा हम लोगों को। सो यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, तो चलो से फोर्थ यहाँ पे रोनाल्डो ऑन, इसका भी रोनाल्डो ऑन, तो यहाँ पे मेरे को भागना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे गया, सो यहाँ पे आप देखो यार बहुत अच्छी तरीके से मैंने शॉटगन की मदद से इस बंदे को नॉक कर दिया, सो अभी मैंने इसे थोड़ा डैमेज दिया और ये गया। सर यहाँ पे मेरा किल चुरा लिया है मेरे बड़े भाई ने यार, मतलब कितना बड़ा किल चुरा गाइस, मतलब जितने राउंड जितने भी हम जीते हैं गाइस सब में मेरा किल जुड़ा है। यहाँ पे आपने साफ साफ पता चल रहा है आपको, मतलब साफ साफ कि मैंने उस बंदे को मतलब हर्ष भैया को इतना ज़्यादा डैमेज दिया, वो भी M14 से, ठीक है, M14 से मैंने उसे इतना डैमेज दिया, दो गोली का बहुत सारा डैमेज था गाइस, बहुत सारा आपको याद होगा। और इस बंदे ने वो किल चुरा लिया, मतलब समझ रहे हो कितनी गलत बात थी, समझ रहे हो आप भाई साहब, बहुत गलत बात यार, किल चुरा ऐसे कोई किल चुराता है गाइस। तो यहाँ पे देखो अपन लोग जो है वो भी यार तीन बार जीत चुका, तो हमारे जीतने के चांसेस जो है 30% हो चुके हैं, उनके यार अभी भी 100 में से 30 घटा दे तो कितना बचेगा, 70% तक अभी भी यार उनके चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हमें यार थोड़ा और प्रतिशत अपने बढ़ाने पड़ेंगे जीतने के चांसेस, और यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, तो अभी मैं जल्द से जल्द अपने भाई के साथ साथ चलता हूँ, क्योंकि यार पार्टनर के साथ रहेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, तो यहाँ पे मैंने डैमेज नहीं लगा, कोई बात नहीं, हम पीछे से रश करेंगे गाइस, पीछे से रश करेंगे, और यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, तो चलो इसे मारते हैं। लेकिन अरे गायब हो गया, सो गाइस ये पक्का ही भूत है गाइस, ये दोनों के दोनों गाइस भूत है, मतलब अभी अभी तो देखा था, अभी अभी गायब भी हो गया यार पिछले राउंड की तरह, यार कैसे भूत है गाइस यार। तो यहाँ पे मेरे को इसका दूसरा पार्टनर जो है वो मिल चुका है, इनके बड़े भैया भी मेरे को मिल चुके हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर लेता हूँ गाइस, जल्द से जल्द इनको खत्म कर लेता हूँ। और यहाँ पे नहीं लगा गाइस, ये बंदा छुपे जा रहा है, मतलब छुपे ही जा रहा है। सो यहाँ लग जा, कोई बात नहीं, नहीं लगा गया, अरे यार थोड़ा डैमेज है, चलो खत्म कर गया। सो यार यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ 4% डैमेज, मतलब जिंदगी थी, और तब भी हमने जो है मार ही, देखो हमारे पास जो 6 गोली वाली शॉटगन थी इसलिए वाले, और उनके पास सिर्फ 2 वाली थी इसलिए गाइस हम जीत गए, हमारे
समझ गए ना, आप समझ रहे हो ना। हाँ बस समझ जाओ यार आप, मेरे मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो वाइज बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्हें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर है बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमने सारी की सारी चीज़ें रखी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा रिपेयर किट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे वेस्ट और हेलमेट है कल में थोड़ा सा डैमेज जो है वो भी पड़ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपने फिर से जो है अपने बड़े भाई के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि यार अभी अपन जो साथ साथ जा रहे हैं तो यार जीत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन चार बार जीत चुके हैं और हमारे 50-50% जीतने के चांसेस हो चुके हैं गाइस। सो यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, थोड़ा ग्लू वॉल लगा लिए और थोड़ा और लगा लिया, तो ग्लू वॉल तो अनलिमिटेड है। सो यहाँ मैंने थोड़े से पर्यावरण को भी दूषित कर दिया, कोई बात नहीं यार, पर्यावरण को हमने थोड़ा सा सारे लोग इतना दूषित कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो क्या ही बड़ी बात होगी यार। सो यहाँ पे थोड़े यार दोनों मिलकर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वो दोनों के दोनों बंदे यहीं पर ही आएंगे। ठीक है, सो अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा स्मोक कर देता हूँ गाइस, थोड़ा ठीक रहेगा गाइस, हमारे लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, हमारे लिए गाइस थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, सो यार ये मेरे लिए खराब हो गया गाइस, अरे ये तो मेरे लिए खराब हो गया। चलो चलो गाइस, चलो जैसे चल रहे। यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी जिंदगी बची, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम फिर से ऊपर जाते गाइस, जल्द से हील कर लेता हूँ गाइस, मैं जल्द से जल्द हील कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, सो अभी मैं थोड़ा हेल्थ बढ़ा लेता हूँ गाइस। यहाँ पे यार मेरा भाई जो है वो लड़ रहा है गाइस दुश्मनों के खिलाफ, यहाँ पे मेरे भाई ने नॉक कर दिया। बहुत ओपी गाइस, मैंने जो सिखाया ये सब, मेरी तो ट्रेनिंग का कमाल है भाई। यार क्या भाई क्या कर दिया, पूरा खत्म कर दिया गाइस ये तो, अरे ये तो पूरा का पूरा गाइस खत्म ही कर दिया इसने। लेकिन यार एक खिड़की बचे, यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या गलती है गाइस, ये कुछ अलग ही बात हो रही है। लग जा अरे 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 लग जा ना, अरे 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 भैया जल्दी मार, अरे जल्दी मार। तो यहाँ पे यार देखा मैंने ही भाई मेरा ही डैमेज, देखो आप देखो यार मेरा मतलब सबसे ज़्यादा डैमेज है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे किल चुरा रहा है। मतलब इस बार तो चुराया नहीं, इस बार तो मार नहीं था क्योंकि मैं तो नॉक हो गया था। वैसे गाइस ये वाला किल भी गाइस मेरा ही था, मैंने इसे बहुत डैमेज दिया था, ये वाला गाइस मेरी किल भी जो है मेरा ही था। ठीक है, चलो ट्रिंग ट्रिंग क्या हो रहा है, अच्छा बूया से गाइस मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भी बूया पे भी हूँ गाइस, आप मेरे को बूया पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरे बूया का नाम भी गाइस यही है जो मेरे चैनल का नाम है, चिमकांडी गेमर। तो यार जैसे तो आप बूया पे लिखोगे चिमकांडी गेमर से गाइस मैं आ जाऊंगा, तो मेरे को सब फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना गाइस बूया पर भी। ठीक है, सो यहाँ पे तो यार वो वाली जगह फिर से आ गई और गाइस वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट थोड़ी सी अलग हो रही है गाइस, यहाँ पे ये बंदा सामने की ओर है। तो चलो यार इस बंदे को खत्म करते हैं और यार बढ़ता, अरे 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 गाइस ये बार बार मेरे को क्यों नॉक कर रहे हैं, मतलब ठीक है भाई मैं हूँ प्रो, तो बार बार मेरे को क्यों नॉक कर, देखो अबे यार गाइस ये बार बार मेरे को नॉक करे जा रहे हैं यार, मतलब क्या यार क्या बार बार मेरे को नॉक क्यों कर जा, माना कि मैं प्रो हूँ, तुम लोग डर रहे हो मुझसे, डर रहे हो लेकिन बार बार मैं थोड़ा खेलने तो दो मेरे को यार, जैसे ही जाता हूँ वैसे नॉक कर देते हैं। इस ये भी तो मेरे साथ है, मेरा भाई भी तो मेरे साथ है, इसको तो नॉक करो यार, इसको तो छोड़ देते हो यार, तुम्हें कितना बुरा लगता है यार, दिल में चुभता है यार, यहाँ गलत बात। सो यार यहाँ पे देखो मैंने जो एमपीएफ की जगह स्कारल उठा लिया, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि यार मेरे पास एबिलिटी है एक। ठीक है, तो एआरएमओ से अगर मैं किसी को मारूंगा तो उसे ज़्यादा ही मतलब जितना डैमेज पड़ना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, 20% ज़्यादा उसे डैमेज पड़ेगा, तो 20% बहुत होता है, 20% बहुत होते हैं। तो यहाँ पे देखो हम जो 6 बार जीत चुके और गाइस हमारे जीतने के चांसेस प्रतिशत यार 60 हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा डैमेज दिया, थोड़ा सा और डैमेज दिया, अरे नहीं लगा यहाँ पे ग्लू वॉल से अपने आपको कवर किया, मैं भी कर लेता हूँ गाइस कवर, ऐसे तो मर जाऊँगा गाइस, ऐसे तो मर जाऊँगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने तो अपने आपको थोड़ा सा कवर किया, मेरे भाई ने एक बंदे को फोड़ दिया, तो एक ही बंदा बचा है, कहाँ है बंदा, सो ये रहा, तो चलो इसे फोड़ते हैं और मर जा लग जा, अरे नहीं लगा, क्रोनो लगा लिया, क्रोनो, अरे यार मेरे को लेने दे कि, अरे गाइस हम तो जीत भी गए, ओ भाई हम तो यार जीत गए, मजे में जीत गए, मेरे को तो थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन कोई बात यार हम जीत चुके हैं, मेरे को यकीन हो चुका है कि हम जीत चुके हैं। अपना एक और कस्टम मैच हमारा चैलेंज गाइस पूरा हो चुका है। सो गाइस यार ये देखो मेरी ट्रेनिंग का कमाल है गाइस, मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, 10 किल्स मेरी ट्रेनिंग के कमाल है। मैं गाइस मैं इतना मतलब अपने भाई को यार फ्री में ट्रेनिंग, तो आप लोगों को या तो पैसे देने पड़ेंगे, बट मैं अपने भाई को यार फ्री में तो ट्रेनिंग दूंगा है, तो मेरी ट्रेनिंग का कमाल है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे देखो मैंने 6 किल किए, मेरे भाई ने 10 किल, और हमारा एक और चैलेंज पूरा हो चुका है कस्टम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।